जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अभी सुबह के 6:15 हो रहे हैं, उठे बस, मुंह धोया और चल पड़े अपने काम के लिए। चलो मौसम दिखा देती हूँ मैं थोड़ा सा आपको। और मौसम ठीक ही है, मतलब आज गर्मी नहीं है, हो लगता है बारिश होने वाली है, बारिश हो सकती है। और ये छिलके वगैरह लेके रखते हैं हम गायों के लिए, जैसे फ्रूट्स के छिलके, सब्जियों के, वो गायों को दे देते हैं। सुबह सुबह जाते हैं पार, और बैक कैमरे से मौसम दिखाती हूँ और फिर चलते हैं पार को। पार का काम तो मैं अपने दूसरे चैनल पे दिखाती हूँ, लेकिन हम यहाँ पे कोई रेसिपी करेंगे आज, शायद देखते हैं। पता नहीं है क्या बनाना है लेकिन। और ये भी जा रहे हैं, बोले सुबह सुबह उठा दिया मेरे को। हमें नहीं होती दिक्कत, हम भी तो उठते हैं सुबह सुबह रोज़। और बिल्लू भी जा रहा है। बिल्लू चलो, बिल्लू चलो, आज जाना, चलो पार, चलो गोनी गए। ये मेरे साथ जाएगा पार गौशाला में, तो वहाँ पे ये दूध पिएगा। और नीचे जो जो उठ गया है, और देखना कैसे वो कर रहा है। और ये है कुछ मौसम यहाँ पे, बादल हैं थोड़े थोड़े, और भगवान करे बारिश हो जाए जल्दी से। कल भी काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आपने मौसम नहीं दिखाया, तो मौसम बस ऐसा ही चला हुआ है, बारिश नहीं हुई है हमारे। हाँ, कुछ लोगों ने पूछा था कि आपके बारिश हुई क्या, तो वो पिछले 2-3 दिनों में बारिश नहीं हुई है, परसों हुई थी शाम के टाइम थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा तो नहीं हुई थी लेकिन थोड़ी थोड़ी हुई थी। और ये देखो अब जा रहे हैं, चलो इनके ऊपर भी बनाएंगे वीडियो कभी कि ये क्या काम करते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये क्या काम करते हैं ना, कौन से ऑफिस जाते हैं। तो मजदूरी करने में क्या शर्म है भाई, मेहनत की और ईमानदारी की खाते हैं, किसी से छीन के तो नहीं खाते, लूट के तो नहीं खाते। तो चलो अभी चलते हैं हम काउशेड। ये क्लिप मैंने बाद में शूट करी है, और जो इसके बाद आपको देखने को मिलेगी वो जस्ट सुबह की है। तो ठीक है, अभी हम बनाएंगे खाना। ये मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे गोभी। तो मैंने मुझे ना एक बात की बड़ी हंसी आ रही थी, ये है गोभी है ना, और ये है इसका पीछे डंठल। भाई लोग पागल हो गए हैं, मतलब है ना, होगा नहीं ये कोरोना जैसी भयानक बीमारियां, कितना लूटपाट करते हैं लोग, है ना। ये देखो जो पीछे डंठल है ना, ये इसका वेट और इस गोभी के फूल का वेट एक बराबर है। गोभी बस ये है, बाकी ये इतना भारी है ना, ये देखो कितना मोटा ये डंठल है, देखो भारी भी ठीक है पर कमाल है भाई लोगों की। चलो मैं काट लेती हूँ गोभी। मैं गोभी कट कर रही हूँ, और निके पापा को बोले मैं चाय बनाओ हमारा ना कॉन्टेक्ट। और देखो बर्तन कितने सारे हैं आज हमारा ना, वो हुआ है सुबह सुबह हुआ है कि सुबह की चाय मैं बनाती हूँ इनके लिए, पीते फीकी चाय। और इस टाइम मैं जब काम करूँ, मैं दूध वाली चाय आप बनाएंगे मेरे को, तो हम पति पति में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। हेलो, जय माता दी। हेलो, जय माता दी। तो आपको अपना प्रॉमिस याद है? शायद मैंने पिछले 15 सालों से पिछले 15 सालों से बना रहे होटल पे, ढाबा था हमारा एक अपना छोटा सा ना। ये पता पिछले ये ना हमारी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी शॉप दारला घाट से आर में, वहाँ पे चाय पानी और फैन, बस छोटा मोटा बेकरी का सामान होता था। तो उसको बोलेंगे भाई चाय के बड़े मास्टर हैं ये, मतलब। लेकिन अब इनको चाय बनाने से इतनी एलर्जी है कि चाय ना बनवाओ मेरे से, बाकी आप जो मर्जी करवा लो चाय ना बनवाओ। मैंने बहुत चाय बनाई है तो मैंने बोला मैं आपके लिए फीकी चाय तभी बनाऊंगी जब आप मेरे लिए जो दूध वाली चाय बनाएंगे। तो सुबह मैं बनाती हूँ और इस टाइम में बनाती हूँ, ये पीते नहीं दूध वाली, मैं पी लेती हूँ, मेरे को जैसी मर्जी चाय दे दो। तो होता है जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा काम करता है किसी काम को, तो कुछ दिन बाद ना उस काम से ही हो जाता है कि अब नहीं करना था ये काम सच्ची में। तो चलो मैं काट लेती हूँ गोभी ना, फिर बनाते हैं। चलिए हमने कढ़ाई रख दी है और मैगी भी यहाँ पे, ये देखिए इसको मैं भी गो दूंगी। तो अभी तो पहले हम बनाएंगे गोभी, मतलब गोभी और मैगी बनानी है आज हमने।
ज़्यादा भी हो जाती है थोड़ी सी, और आज इसको थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। ममता भरी और दो तीन लहसुन की कलियां मैंने काट दी थी यहाँ पे, उनको भी डाल लेंगे। प्याज भी डाल दिया। चलिए अभी इसको भूनने देते हैं। तो चलिए प्याज भी हमारा हो गया। मिर्च, ये वाली मिर्च ना, ये वाली मिर्च मेरे को बड़ी टेस्टी लगती है, करारी करारी जैसी। आहा, पर अब मैं खाती नहीं इनको ना, मेरे को इनसे प्रॉब्लम होती है। तो चलो डाल दिए मैंने, टमाटर काटे थे दो, दो ही बचे थे, बाकी खत्म हो गए थे। टमाटर को गालने के लिए हम डाल देते इसमें नमक, और साथ में डाल देंगे हल्दी। तो हल्दी शायद कम हो रही है, इसमें खत्म हो गई ना, उसमें उल्टानी है मैंने। चलो इसको गलने देते हैं अभी। ममता भरे तो हो गया टमाटर भी, अभी डाल दूंगी इसमें गोभी। आज मैंने गोभी ना बड़ी बड़ी कट करी है। कोई बड़े बड़े पीस हैं, कोई छोटे छोटे हैं। अभी इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर तक, फिर हम एक मैगी या दो मैगी वो डालेंगे। इसमें ना पानी नहीं लगाना भी, पता है हम क्या करते हैं ना, कई लोग क्या करते हैं कि तड़का जैसा भी हो, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कम या क्या क्या डाला, वो चीज़ मायने नहीं रखती। मायने पता क्या चीज़ रखती है, जैसे अभी इसमें हमने डाला ना, इसमें चाहे धनिया और मिर्चें ही होती, नमक हल्दी। अभी एकदम कभी पानी नहीं डालना था सब्जी में, कि एकदम से पानी डाल दिया। कुछ लोगों को शायद नहीं पता, आपने बोला बड़ी कुक बन रही है आज। तो देखिए क्या होता है ना, कि जिस चीज़ के बारे में हमें अच्छी तरह से पता होता है वो चीज़ तो बोलनी चाहिए, है ना। तो बस इसको ना ऐसे ही पकने देना होता है, सिर्फ बस इसी तरह से सूखा सूखा ही। अब देखना कितनी टेस्टी सब्जी बनती है। और अब इसको हम ढक देंगे, ठीक है। पानी, अगर पानी भी लगाना हो किसी सब्जी में, इसमें तो थोड़ा लगेगा, इसमें थोड़ा सा लगेगा, तो भी जो है कम से कम 5 मिनट तक ऐसे ही भूनने दो। आपके पास मसाला जो भी है भूनिए, मतलब बस इसको ऐसे ना सूखी भूनने दो, कोई भी सब्जी है चाहे, फिर देखना आप उसका टेस्ट। तो ये देखिए अभी गोभी हमारी काफ़ी हो चुकी है, और ये थी हमने यहाँ पे मैगी भिगोई हुई। तो गोभी 80% तक पक चुकी है, बस थोड़ा सा इसको मिक्स होने देना है, और बस अगर दो मैगी होती ना तो और भी मज़ा आता, पर अभी भी लाले की बची थी। हन्नी खाता रहता है ऐसे ही बना बना के ना, तो और मुझे इस तरह से ना मैगी के साथ रोटी वगैरह खाना बड़ा अच्छा लगता है। पहले से आप लोगों को पता है, कितने दिनों से आप मुझे देख रहे हो। बस इसको कर दो सारे इस तरह से। तो इतनी सी है ना, पर अपना अलग ही टेस्ट देगी। चलो इसमें लास्ट में डाल देंगे मैगी मसाला, और बन गई हमारी सब्जी। तो ये देखिए, ये बनी है हमारी मैगी और गोभी। तो ये बनी है हमारी मैगी और गोभी, और आप इसका देख सकते हैं कलर, टेक्सचर सब कुछ बहुत अच्छा है, और खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी है, ठीक है।
ये देखिए, तो आ जाइए खा लीजिए। चलो मैंने फ्लैश ऑन कर दी, तब ज़्यादा अच्छी दिखेगी। और ये है चपाती, तो चलिए खा लेते हैं हम और फिर करते हैं आपसे बात। और यहाँ पे ये लोग भी खा रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे, और ये हनी, हनी जा रहा है। हनी कहाँ जा रहा है तू? मैं जा रहा हूँ डीप करेक्शन। इधर देख, इधर वाह तेरी पर्सनैलिटी भाई हनी है देवा। और अभी तूने बिस्तर वगैरह कुछ नहीं करे हुए है ना? अभी मैंने फ्रिज करना साफ। हेलो। और ये देखिए मौसम, और अभी मैंने ना वीडियो का एंड भी कर देना। चलिए अभी ये जा रहे हैं गर्मी। हाँ दिया मैं इस कंगी को ढूंढ रही थी। ठीक है, ये भी जा रहा है डिप्पू के राशन को। और चलो अब मेरी ये भी जिम्मेवारी खत्म हो गई है थोड़ी सी। और यहाँ पे सो चुका है, और वहाँ पे काम वाले भी आ गए हैं। वो देखो पार दिखाती हूँ मैं, मुझे ना अभी चाय लेके जाना है। पानी भी आया होना तो मैंने पिलरों को पानी भी देना है। आ गए हैं काम वाले। ठीक है, तो चलो इस वीडियो का तो करते हैं यहीं पे एंड। अभी मैंने ना फ्रिज की साफ़ सफाई भी करनी थी, अंदर फ्रिज को साफ़ करना था। क्या करूँ, पहले चाय दे के आऊँ कि क्या करूँ? ये देखो, चलो सोचती हूँ जो भी होगा। लेकिन इस वीडियो का तो एंड का टाइम आ चुका है, तो अभी ये जा रहे हैं काम पे। और मेरे को सुबह सुबह लग जाती है नींद, मैं बहुत जल्दी उठती हूँ सच्ची में ना। और ऐसा नहीं है कि काम के लिए उठती हूँ, कि जो घर का काम होता है उसके लिए उठती हूँ, नहीं। मुझे YouTube का होता है कि जैसे कमेंट्स रीड करने हैं, उनको हर्ट भी देने हैं, और किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन तो उसका रिप्लाई भी करना है। कल लोगों के पता है सवाल होते हैं, हमारा नाम लेते। कल मैंने बहुत सारे लोगों के नाम लिए, लेकिन उनका कोई, उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया कि यहाँ नाम लिए, क्योंकि वो देखा ही नहीं उन्होंने, वो वाला पार्ट उन्होंने देखा ही नहीं। दूसरे चैनल पे मैंने डाला था। चलो अभी मैंने सोचा है आने वाले टाइम पे ना, वीडियो के लास्ट में एक मिनट तक नाम ले लिया करूँगी मैं। मतलब ये नहीं है सबके, तो नहीं, जितने एक मिनट में पॉसिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो लोगों की नाराज़गी भी सब, मतलब रोज़ तो नहीं होता कि कुछ दिनों तक, तो रोज़ तो नहीं होता पॉसिबल, क्योंकि भाई एक किसी एक का भी छूट गया ना तो वो फिर नाराज़ हो जाएगा। तो हमारे लिए तो सारे व्यूवर जो हमारे हैं वो एक समान है। तो देखेंगे जैसे भी होगा। और दुकान है क्या पानी को, ऐसा होता है सुबह सुबह ना, अगर घास को निकल जाए तो घास आ जाता है। मेरे को खाना बनाना पड़ता है सुबह सुबह, और 4:30 बजे की उठी हूँ। तो ठीक है, जय माता। ठीक है, और किसी का जन्मदिन होगा आज, किसी की एनिवर्सरी होगी, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। महामाई आपको दुनिया भर की खुशियाँ दे, तीनों जहाँ की खुशियाँ दे। इसी के साथ करते हैं आज के वीडियो का एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।